हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। फिर से एक बार मिस्टर क्लास पे आपका स्वागत है। और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आप बने रहिएगा। और आज का टॉपिक बहुत ही खास चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, वर्गमूल और घनमूल, रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको बताएंगे वर्गमूल घनमूल से संबंधित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। वर्गमूल और घनमूल को समझने के लिए साथ में रहिएगा। वर्ग और वर्गमूल पहले समझेंगे। वर्ग वर्गमूल वर्ग मूल वर्गमूल ठीक वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल, इसको अंग्रेजी नाम होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर और एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड एस क्यू यू ए आर स्क्वायर रूट आर डबल ओ स्क्वायर रूट। वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल मतलब आपका वर्ग। इस तरीके का आप वर्गमूल और घनमूल सीखने से पहले आपको 10 तक के वर्गमूल आना चाहिए। जैसे देखिए मेरे बच्चों, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 ठीक, और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 25 इक्यासी, 10 का वर्ग 100 ठीक। तो इसका मतलब होता है 8 का पावर 2, 8 के ऊपर 2 है तो 8 गुणा 2 बार करेंगे, 3 को पावर 2 है 3 गुणा 2 बार करेंगे। ऐसे वर्गमूल और वर्गमूल सीखने के लिए आपको आपके पास दो मीटर होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि, दो होते हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि आपको क्लास 5, 6, 7, 8 तक मिलता है। और लेकिन सक्सेस कौन माना गया, ज़्यादातर सक्सेस भाग विधि ही माना गया, डिवीजन मेथड से ही ज़्यादातर हम सवाल लगाएंगे। अब गुणनखंड विधि से भी लगता है, वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा बनता है। किसका बनता है? 2 का जोड़ा। जैसे मैंने मेरे सामने एक क्वेश्चन है, 1225 का वर्गमूल याद करिए, 1225 का वर्गमूल का वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात करो ठीक। अब 1225 आप ऐसे लिख लीजिए, 1225 करिए। पहले देखिए आपको सिखाते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से देखिए, अगर 5 मिल जाए लास्ट में तो 5 से काटेंगे, 5 जाता है, लास्ट वाला आपको कटना चाहिए, 5 × 2 = 10, 2 बच गया, 2 बच गया ना, 2 बच गया तो 22 हो गया, 5 × 2 = 20, 2 बचा 25, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 20, 4 = 45 और 5 × 9 = 5, मान लीजिए इसको 2 × 5 से आता है, 5 × 2 = 20, 4 × 45 = 5 × 9 = 45, 7 × 7 = 49, 7 × 9 = 7। अब यहाँ पर आप 5 × 5 × 7 × 7 कर लेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये आपका 5 यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से 7, 5 × 7 = 35, यही आंसर होता है वर्गमूल में। ये हमारा था मल्टीप्लाई मेथड, गुणनखंड विधि, मल्टीप्लाई मेथड, MU
एल, ये मल्टीप्लाई मेथड है, एम यू एल मल्टीप्लाई मेथड। और इसी सवाल को अगर हम डिवीजन मेथड से लगाएंगे तो भी आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन हमारा आंसर। डिवीजन मेथड क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इसको रेस कर देते हैं इसी सवाल को। एक गुणनखंड विधि से लगाए हुए हैं हम मल्टीप्लाई, एक गुणनखंड विधि हमारा हुआ है। अब देखते हैं भाग विधि से, भाग विधि से इस सवाल को हम किससे लगाएंगे, भाग विधि से 12 25 ऐसे करेंगे और ऐसे कर लेते हैं। इस सवाल में जानते हैं वर्गमूल दो दो जुड़ा होता है, इतना इतना। अब देखिए इसको अगर आप एक बार समझ लें, कितना भी बड़ा वर्गमूल रहेगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 12 25 से देखिए जितने बार यहाँ उतने बार यहाँ, जितने बार यहाँ उतने बार यहाँ। ये नहीं कि यहाँ 4 3 12 कर दे, 4 यहाँ कर दे 3 यहाँ कर दे, सवाल गलत हो जाएगा। 4 यहाँ करिए 4 यहाँ करिए, 3 यहाँ करिए 3 यहाँ कीजिए। अगर 9 यहाँ करेंगे तो 9 यहाँ करेंगे तो आपको गलत मान लिया जाएगा। देखिए 3 3 9 कम है, 4 4 16 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 3 9 हो गया, 12 में से 9 गए 3, ये वाला 3 इधर आके ऐड हो जाता है 3 3 6 3 3 6। अब 2 5 साथ में उठा लीजिए। अब 5 5 ही माता जानते हैं, अगर यहाँ 4 बार रखते हैं, 4 4 16 की 6 हासिल लगा, 1 4 6 24 1 25 कम हो रहा है, 5 बार ले जा रहे हैं, 5 बार यहाँ 5 बार यहाँ, 5 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 5 25 5 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 का मल्टीप्लाई 6 में 5 6 30 5 6 30 और 30 में 2 जोड़ दीजिए 32, ये आपको क्या आ गया, कट गया। और ये वाला 5 यहाँ आके जुड़ जाएगा, 65 5 जोड़ दिए, लेकिन आंसर आपका ही होगा 35 आंसर। बताइए कैसा लगा वर्गमूल हमारा, आई होप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो आपका डिवीजन मेथड पर ही रहेगा क्वेश्चन बेस्ड, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिवीजन मेथड पर ही कराएंगे। आप मेरे साथ में रहिएगा और हमने किताब उठा लिया है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए इसको रेस करते हैं। भाग विधि से ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करेंगे आसानी पड़ेगा क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई मेथड हर जगह सक्सेस नहीं होता है, भाग विधि ही समझिएगा आप, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न हम लिखते हैं आपके सामने 729, दूसरा प्रश्न है आपके सामने 13 31 और भी प्रश्न है हमारे पास 10 24 10 24, चौथा प्रश्न आप लिख लेते हैं जो है 2000, ठीक। 4 प्रश्न यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.0, ठीक। ऐसे प्रश्न है, इनको हम सॉल्व करेंगे चारों सवाल को भाग मेथड से, डिवीजन मेथड से, भाग विधि से, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो, भाग विधि से, ठीक ठीक। अब देखेंगे भाग विधि से सीखने के लिए पहला सवाल क्या है हमारा, 729 नोट कर लेते हैं, 729 ऐसे ऐसे किए, एक जोड़ा बना एक नहीं बना छोड़ दी, 3 3 9 ज़्यादा हो गया, 2 2 4 कम है, 2 2 ले जाइए, 2 2 4 हो गया नहीं हो गया, 2 2 4 बताइए, एकदम आसान तरीके से, 2 2 4। अब देखेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 गए 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और 2 आके यहाँ जुड़ गया, 2 2 4, ये 29 उतार लेते हैं, ठीक।
अब देखते हैं कितना बार ले जाएं। अगर हम यहाँ पर चार बार ले जा रहे हैं, चार बार यहाँ लिख रहे हैं, सपोज करिए चार बार अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो चार बार यहाँ लिख दें, चार यहाँ चार यहाँ, चार चौक 16, छः यहाँ से लगाए, एक चार सत चौक 16, 17 कम हो रहा है, कितना हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर सेवन बार ले जाए, सेवन बार, सेवन सात सत्ते 49 की 9 यहाँ से लगा चार, और सात चौक 28, 28 चार 32, ये कट गया, और सात आके यहाँ जुड़ गया, सात सात 14 चार यहाँ से लगा, एक चार एक 5, और ये कितना हो गया 27 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है हमें, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत नहीं समझोगे आप। ठीक, भाग बुद्धि से ही लगाते हैं, कुछ ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हो। जोड़ा बनाएंगे पहले भाग बुद्धि में, और आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला लिखते हैं 13 31, 13 31, एक जोड़ा दो जोड़ा, अच्छा 13 31 हो गया। अब 13 है, 13 31, बहुत बढ़िया सवाल है, और इसको आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं और भाग विधि से भी लगा सकते हैं, और पिछला हम भाग विधि से लगाए थे, और इसको आप गुणनखंड विधि या भाग विधि चाहे जैसे लगाइए आपका आंसर सेम देगा। और आई होप, उम्मीद करता हूँ इस सवाल को भाग विधि आप सीख लिए हैं, इसको हम गुणनखंड विधि से लगा देते हैं, देखते हैं गुणनखंड विधि से जोड़ा हटा देते हैं पहले, इसको हम सीख लेते हैं गुणनखंड विधि से सवाल को। ठीक, ऐसा नहीं, ऐसे करिए इसको, ऐसे इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलते हैं सवाल तरफ, यहाँ पर लेते हैं 3 3 3 9 9 बचा 4 43 11 देते हैं, 11 करना 11 कितना बचा हमारे पास, ये तो हमें क्यूब लग रहा है 11 का, ये थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, सवाल में और था, हमने गलती से इसको लिख दिया है, देख रहे हैं फिर से इस क्वेश्चन को हम। ठीक, इसको रेस करते रहे, अगला देखते हैं 10 24 10 24 को लिखते हैं, एक दो भाग विधि से लगाते हैं इसको हम, भाग विधि से 3 3 9 एक बचा, 3 आके यहाँ जुड़ गया, 3 3 6 हो गया, 24 यहाँ उतर गया, 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, 2 2 4 2 6 12 कट गया, 1 32 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 यहाँ जुड़ जाएगा 64 हो जाएगा, 32 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये भाग विधि से ही सक्सेस है ज़्यादातर ऐसे सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं हम, वो घनमूल था ये वर्गमूल, वो घनमूल क्वेश्चन हमने दिए थे, और अगला प्रश्न हम देखते हैं जो बोर्ड पे लिखा गया है क्या है, उसको देख लेते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, मिटा के फिर से हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन जो लिखे थे हम, क्वेश्चन को किताब हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास है, हम क्वेश्चन को फिर से लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास था 0.2000, यही था हमारे पास क्वेश्चन, भाग विधि से लगा रहे हैं इसको हम, भाग विधि से एक जोड़ा दो जोड़ा। ठीक, यहाँ 0.2 लगा देते हैं ऑलरेडी पहले ही, ठीक ना, 0.2 पहले ही लगा देते हैं, और 20 है, चार बार ले जा रहे हैं, 4 4 16 यहाँ 4 बच गया, एक एक करके 4 4 4 आके जुड़ गया, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पर 400, और यहाँ पर हम ले जाएंगे चार ही बार ही ले जाएंगे, 3 बार नहीं जाएंगे, 4 4 16 6 यहाँ से लगाइए, 4 8 32 1 4 8 32 33, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए, 4 6 कट गया, 64 आ गया,
और इससे इससे बच जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा ये कम आ जाए तो ये वाला ज़्यादा आ जाए, काल कम आ जाए, छोड़ देते हैं सवाल को, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक, ऐसे प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं कोई डिफरेंस होगा। और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही समझ में आया होगा। एक सवाल हम फिर से देखते हैं, वर्गमूल पर ही आधारित प्रश्न है और उसको भी देख लेते हैं हम। और वो हमारे पास सामने क्वेश्चन है और इसका एक हम तरीका बता दे रहे हैं, आसानी से आप सॉल्व करते जाएंगे, देखेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 30-25, 30-25, 30-25, और इसको हम भाग विशेष लगाते ही हैं। एक जोड़ा बन गया हमारा, दो जोड़ा बन गया, पांच बार ले जा रहे हैं हम, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, हाँ 5 बार जाएगा, 5 × 5 = 25, 30 में से 25 गए तो 5 बचेगा आपका, लिख दिए, 5 5 दोनों जोड़ दिए, ये हमारा 10 हो गया। कितना हो गया, 10, और 25 यहाँ उतार लिए, 25 दिखा तो 5 ही बार जाएगा, 5 × 5, इसका मल्टीप्लाई 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25 की 5 यहाँ से लगा दो, 5 × 0 = 0, 2 बचा 2 यहाँ लिख दिए, 5 × 5 = 5, और ये हमारा खत्म हो गया, तीनों कट गया, अब 5 आके यहाँ जुड़ गया, 105 था, कितना हो जाएगा, 110, ये 55 क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को आप बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया एक आपको एकदम बेसिक चीज़ें था, एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, बहुत होपलेस होने वाली बात तो नहीं है हमें लग रहा है। और आई होप, उम्मीद करता हूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने ऐसे ही 20 प्रश्न करवाएंगे, स्क्वायर विधि को भाग विधि से, गुणा मतलब स्क्वायर वर्गमूल को भाग विधि से ही चालू करना, अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं, जस्ट अगले दिन आपको मिल जाएगी टॉपिक पर। ठीक, धन्यवाद।